अंदर जाइए, इसके अंदर जाइए, इसके बाहर नहीं आना, इसके अंदर जाए महाराज, इसके अंदर फ्लैश तो बुझाने का सदा सुखी कौन है जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर बात है, पर ये स्थिति आवे कैसे? भगवान पर हमारा दृढ़ भरोसा और उनके विधान पर राजी रहना, ये बहुत बड़ी स्थिति है। इसे क्षमता कहते हैं, इसे भगवत प्राप्त महापुरुष की स्थिति होती है। और हमारी ये स्थिति अभी नहीं है। अपने लोगों की स्थिति अगर भगवान अनुकूलता हमें दे देते हैं, हमारे अनुकूल चलते हैं, तो हमें लगता है भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, भगवान हैं। लेकिन जब प्रतिकूलता आती है, विपत्ति आती है,
तो फिर ये बात हमारे ऊपर लागू नहीं हो पाती, इसलिए कि हमारी स्थिति नहीं है। ये बहुत बढ़िया स्थिति है, पर इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में व्याकुलता हो जाए, उस व्याकुलता के लिए हमारा आहार शुद्ध, हमारे आचरण शुद्ध, हमारे विचार शुद्ध, और हम खूब नाम जप करें और अपने बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, जिसकी भी सेवा मिल जाए, निष्काम भाव से सेवा करें, तो भगवान प्रसन्न हो जाए, ये स्थिति दे दे, अनुभव में आने लगे कि हर समय चलते फिरते भगवान हमारे साथ है, ये स्मरण। तो हमारे पास सबसे बड़ा पावर राधा नाम है। यदि हम उठते, बहुत सरल है और बहुत करुणामय, उठते बैठते चलते फिरते अगर हम राधा नाम उच्चारण करें तो निश्चित समझो दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवित हो दृढ़ भूमि, दृढ़ भूमि ये स्थिति आ जाएगी। तो हम हर समय बोलते हैं राधा राधा। टेंशन होगी काम कर तुम ले जाओगे यहां पर नहीं
आप लोगों ने प्रूफ दिया है सरकार को तो नहीं डाल दीजिए सिर में और बच्चों का विशेष ध्यान रखिए आपके समाज विशेष सूचना अपने मोबाइल पर और बच्चों का विशेष ध्यान रखें अपने समाज की सुरक्षा स्वयं करें सिर्फ Ah.